सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो यही सोचते होंगे कि YouTube हमारी बस की नहीं है। YouTube पे हमने बहुत सारी वीडियोस डाल ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारी वीडियोस बूस्ट होती ही नहीं है, तो हमें YouTube क्विट कर देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं YouTube क्विट कर दिया हमने, ये हो गया वो हो गया, हमारी बस की नहीं है, तेरी बस की है, तू भी छोड़ दे YouTube। तो ऐसे ही आपके साथ होता है ना गाइस, कि क्या करेगा YouTube करके, YouTube पे कुछ रखा नहीं है, ऐसे ही होता है आपके सबके साथ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मोटिवेट कर दूंगा कि आप YouTube छोड़ोगे ही नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यूट्यूब करने का फर्स्ट रीजन, आपको फेम मिलता है गाइस। फेम के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मुंबई में आपने देखा एक्ट्रेस कैसे मेहनत करते हैं, वही मेहनत अगर आप घर बैठे कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके सामने सिर्फ एक फोन है, सब कुछ की है। ये जो तामझाम आप यहाँ देख रहे हो ना, मेरी सबसे पहली वीडियो देखना और मैं कैसे वीडियो बनाता था, और अब देखना 2 साल हो गए मेरे को यूट्यूब के ऊपर, सब कुछ समझा है, उसके बाद ये चीज़ें बाय करिए। हाँ, आपके पास अगर पैसा है तो आप इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा नहीं है तो आप बोया का माइक लेके उससे स्टार्ट करो, ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यूट्यूब के ऊपर क्या चलता है। दूसरी बात, अगर आपको डिमोटिवेशन होती है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपको मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला है मनोज दे। मनोज दे ने, आप खुद सोच सकते हो कि उनका एक चैनल डिलीट हो चुका है, डिलीट हो गया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस टाइम क्विट किया था। क्विट करने के बाद उन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो ही तो डालनी है यार, नॉलेज हमारे पास है ही, वीडियो बना के बस डालनी है तो यार डाल देते हैं, कोई बात नहीं। एक पैशन जिसे कहते हैं ना, वो था उनके अंदर। दूसरे थे जुन्नू की टेक ने भी ऐसे किया था कि उन्होंने भी क्विट किया था। आप सबने उनकी स्टोरी सुनी हुई है, ठीक है, सारी स्टोरी आपने सुनी हुई है। जिसने नहीं सुनी मैं बताया था, ये भी एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, क्विट भी किया बीच में एक बार, लेकिन उसका कोई फायदा इनको नहीं मिला। और उन्होंने भी यही सोचा कि वीडियो ही तो डालनी है, पैशन मेरा है ही। और ऐसा ही होता है गाइस, जैसे मैं भी हूँ, मेरे को वीडियो डालने पे अगर जो है चैन ही नहीं पड़ता, मेरे को बस ऐसा लगता है चल कोई बात नहीं है, वीडियो डाल दी है, डालने तो कोई बात नहीं, होना होगा फेम, एक टाइम आ जाएगा फेम, और क्या। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पैसे कब आएंगे। पैसे से गाइस कुछ नहीं होता, आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपके पास पैशन नहीं है या आपके पास स्किल नहीं है, तो आप यूट्यूब के ऊपर ग्रो नहीं हो सकते, ये फैक्ट है। यहाँ टाइम लगता है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, और टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे मेरी पहली वीडियो देखना, अब की वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फास्ट ग्रो होना है तो उसका भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्ट्रेटेजी है एलगुरु। अब इस एलगुरु से आप क्या सीख सकते हो, यूनिक स्ट्रेटेजी, मतलब जो यूट्यूब के ऊपर था ही नहीं वो चीज़ लेके आए। अक्ष वर्मा गूगल एड्स लेके आए, कि गूगल एड्स पे ऐसे पैसे लगा के ग्रो हो सकते हैं। एलगुरु ने बिना फेस दिखाए सब कुछ किया, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, शुभ स्केलेटन भी अभी चला था, उसने भी बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ एंट्री मारी और वो सीधा ग्रो हो गया, ठीक है। और भी 2-3 यूट्यूबर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ग्रो हो गए, तो इनकी स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आती है और आप यूनिक स्ट्रेटेजी लेके आते हो, हाँ, आप बहुत जल्दी ग्रो हो जाओगे यूट्यूब के ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ग्रो हो गए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे एकदम यूट्यूब के ऊपर ग्रो नहीं हुए हैं, इन्होंने भी पहले शायद पहले चैनल बनाए। मैं 100% गारंटी देता हूँ, इन्होंने यूट्यूब को समझा है कि यूट्यूब कैसे काम करता है, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन कैसे काम करता है, SEO, ठीक है। तो आप समझ गए होगे मैं कैसे समझाना चाहता हूँ। पहले सीखो, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यूट्यूब को सीखने में, लेकिन अब आप सीख जाते हो तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद आपको वीडियो समझ में आई होगी कि आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब आपको क्यों क्विट नहीं करना चाहिए, और आप एक बार यूट्यूब के ऊपर सफल हो गए तो आपकी ज़िंदगी एक लग्जरियस, जिसे कहते हैं ना, लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हो यूट्यूब पे एक बार ग्रो होने के बाद। जैसे मैं कर ही रहा हूँ अभी भी, मेरे को भी अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को मिल ही क्या रहा है, मेरे को चैन नहीं पड़ता कि हाँ मेरे को वीडियो बनानी है बस, फिर ठीक है, पैशन है मेरा, ठीक है, अपनी साइड इनकम चल रही है बिजनेस के थ्रू, जब इस पर होना होगा इस पर भी हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे ही होता है, अपनी स्टडी या अपना बिजनेस या अपनी जॉब, कुछ भी आप करो, उसको छोड़ के यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं आना है। उसको करते रहो, यूट्यूब को पार्ट टाइम करते रहो, धीरे धीरे उसको फुल टाइम में लाने की कोशिश करो, कि उसके ऊपर ग्रो होने की कोशिश करो, उसके ऊपर सीखो उस पर क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सीखना है आपको पहले स्टार्टिंग में 1-1.5 साल। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट कर करके देखना है, क्योंकि आपको थंबनेल बनाना आ जाएगा, एडिटिंग करनी आ जाएगी, बोलना आ जाएगा, माइक पर सब कुछ आ जाएगा, तो आप सब कुछ कर ही लोगे अपने आप, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी, कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई यूट्यूब के ऊपर तो किस्मत चाहिए, किस्मत नहीं गाइस, हार्डवर्क चाहिए, और इन सब ने हार्डवर्क किया है। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब तो यूट्यूब क्विट नहीं करोगे मेरे कहने से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर।